एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ एक पीस ऑफ आइस जो है हाइट एट से फॉल कर रहा है इस तरीके से कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है। ओनली वन क्वार्टर ऑफ द हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाई द आइस, मतलब कितना हीट प्रोड्यूस करेगा पहले तो वो MgH, उसका केवल कितना 1/4, 1/4, ठीक है। एब्जॉर्ब बाई द आइस एंड ऑल द आइस ऑफ एनर्जी, ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड इन टू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल, ठीक है। इससे गिरा उसका क्वार्टर जो है वो एनर्जी में मतलब हीटिंग में कन्वर्ट हो रहा है। बोला जा रहा है कि कितना वैल्यू होगा एच का, भाई पूरी तरीके से मेल्ट हो जा रहा है, कौन सा फॉर्म लगा लेंगे ML, भाई ये वाला एनर्जी जूल में ऑलरेडी रहेगा, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो M इंटू एल का वैल्यू कितना है 3.4 इंटू में 10 की पावर 5, ध्यान देते हैं एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो एच की वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, एक 10 की पावर तो कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 13, 13.6 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 4, क्या मीटर में, क्योंकि हम लोग सब कुछ किस में लेके चल रहे हैं, एम के सिस्टम में लेके चल रहे हैं, क्लियर ना। तो अगर हम एक 10 का मल्टीप्लाई कर ले तो कितना जाएगा 136 इंटू 10 की पावर 3, क्या मीटर, और ये क्या बन जाएगा किलोमीटर, तो इसका वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगा 136 किलोमीटर, क्लियर ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, क्लियर, थैंक यू।